हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपके हमारे चैनल ईआर राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस में। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है यूनिट डायमेंशन, यूनिट का लेक्चर वन किए थे हम लोग, है ना। यूनिट को जनरली लोग दो या तीन भाग में पढ़े हैं। उसके बाद हमने डायमेंशन एक वीडियो में खत्म किया, उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर खत्म किया, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर आप अगर नहीं देखे हो तो पहले आप जरूर उस वीडियो को जाकर देख लो, है ना, तो ही आपको राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखोगे ना, राउंडिंग ऑफ का आप सवाल बना ही नहीं पाओगे। तब हमको राउंड करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ऐसे ही सवाल आते हैं। तो जनरली आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने आपको सिग्निफिकेंट फिगर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल ईआर राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राउंडिंग ऑफ, है ना, राउंडिंग ऑफ। अब बात करते हैं हम लोग राउंड, जब हम नंबर को किस राउंड करके लिखते हैं, राउंड का मतलब लगभग में जब लिखते हैं ना, तब इसकी बात की जाती है। तो पहले तो हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं, है ना, सम रूल्स की बात कर लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, है ना। तो हालांकि जो पहला रूल है कि बच्चों, अगर लास्ट डिजिट जो है ना, लास्ट डिजिट है ना, जैसे मान लो मैं बोलूं कि 3.21 रहा या 3.22 रहा या 3.23 रहा या 3.24 रहा, तो इफ लास्ट डिजिट इज 1, 2, 3, 4 देन प्रीवियस डिजिट एज वेल सेम, मतलब ऐसे ही रह जाएगा, है ना। क्या बोलेंगे कि अगर इफ रूल नंबर वन है लास्ट डिजिट, है ना, आर 1, 2, 3 एंड 4, है ना, देन प्रीवियस डिजिट विल नॉट चेंज। मतलब पीछा जो डिजिट है ना वो चेंज ही नहीं करेगा। कब? जब लास्ट डिजिट आपका क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। मतलब इन सबको हम बोल सकते हैं कि राउंड करके हम लिख सकते हैं 3.2 ही लिख सकते हैं। मान लो अगर हमको 2 अंक तक राउंड करना है, इसमें देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3 है। मान लो हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो हम मतलब लास्ट वाले को राउंड करेंगे। तो लास्ट वाला अगर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो हम पीछे वाले को एज इट इज लिख देंगे। रूल नंबर टू क्या है कि अगर हमारा लास्ट डिजिट जो है ना, जैसे मान लो रहा था 3.26 या 3.27 या 3.28 या 3.29, इसका मतलब कि इनको हम राउंड करके, अगर लास्ट डिजिट हमारा 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, और हमको हमको है ना 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पहले सिग्निफिकेंट फिगर की जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना, उसके बाद ही आप राउंडिंग ऑफ पे सवाल लगा पाओगे। तो बच्चों, इसमें हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबका वैल्यू हम लिख सकते हैं 3.3, मतलब 1 इंक्रीज कर देना है। रूल क्या है, इफ लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट आर 6, 7, 8 एंड 9, देन प्रीवियस डिजिट विल इंक्रीज्ड बाय 1। एक आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर थ्री पे आते हैं। इफ लास्ट डिजिट जो हमारा अंतिम वाला डिजिट है ना, आर या तो 5 रहे या 50 रहे, समझिएगा, अगर हमारा जो अंतिम वाला डिजिट है अगर वो 5 रहे या 50 रहे, है ना, 5 रहे या 50 रहे, देन चेक प्रीवियस डिजिट, पीछे वाले डिजिट को चेक करो। तो पिछला डिजिट 2 प्रकार का हो सकता है, या तो वो इवन हो सकता है या तो फिर वो ऑड हो सकता है। अगर वो इवन है तो नो चेंज, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, और अगर वो ऑड है तो इंक्रीज्ड बाय वन। तो ये रूल है आपका रूल नंबर 3। मतलब अगर लास्ट डिजिट हमारा 5 हो या 50 हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रहा हूं यहां पे 3.250, और ये इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि हमको इस वाले को अगर ध्यान से देखिए तो अंतिम वाला जीरो जो है ना वो दशमलव के बाद है, डेसिमल के बाद है, और लास्ट में है, तो ऐसा जीरो जो दशमलव के बाद हो
और लास्ट में हो वो सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाता है। और 5, 2, 3 ये तो सिग्निफिकेंट में है ही, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4 है। मान लो इसको हमको कन्वर्ट करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर में, दो सिग्निफिकेंट मतलब 3 और 2, मतलब हमको यहां पे राउंड करना होगा। अगर हमको यहां राउंड करना होगा तो अंतिम वाले का देखो है 5 0 5 0 है, तो पीछे वाला चेक करो कि ऑड है कि इवन है, तो बच्चों ये इवन है तो इवन है तो नो चेंज, तो आंसर हो जाएगा 3.2। वही अगर मान लो सवाल हमारा ये रहता, जैसे रहता 3.350, क्या रहता 3.350, तब हम देखो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस 4 सिग्निफिकेंट फिगर को हमको कन्वर्ट करके लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हम इसको राउंड कर रहे हैं इस 3 को, क्योंकि यहीं पे है दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर हमारा, तो अंत में 50 है, तो हम इसको लिख देंगे 3.3। ऑड है तो एक बढ़ा देना, तो हो जाएगा 3.4। ऑड है तो एक इंक्रीज कर देना है, जबकि अगर इवन है तो जो है वही लिख दीजिए। हम अभी करेंगे सवाल, अभी हम सवाल करेंगे, जब तक हम सवाल नहीं करेंगे ना तब तक समझ में कैसे आएगा। तो रूल नंबर 3 आप लिख लो पहले, कि इफ लास्ट डिजिट आर 5 और 50 देन चेक प्रीवियस डिजिट, प्रीवियस डिजिट अगर इवन है तो नो चेंज, अगर ऑड है तो इंक्रीज बाई 1। क्लियर है ये बात? चलिए रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर ये कहता है 4 कि इफ लास्ट डिजिट है ना, डिजिट्स आर है ना 51 या 52 या कहां तक 59 तक कुछ भी रहे, 51 52 53 54 56 57 58 59 55 भी हो सकता है 55 कुछ भी रहे जनरली, तो क्या करना है हमको है ना, देन प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय वन। कुछ भी रहे, जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं 3.253, और हमको क्या करना है, हमको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस 4 सिग्निफिकेंट फिगर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आपको मतलब इसको राउंड करना है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3 और 2, तो अंतिम में है 5 3, तो अंतिम में अगर 51 52 53 54 56 57 58 59 कुछ भी रहे, तो ये वाला एक इंक्रीज कर जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 3.3। क्लियर ये बात? अब आते हैं सवाल पे, ये तो रूल हो गए ना, अब आते हैं सवाल पे, आप चारों रूल एक जगह इकट्ठा रखो, हम करते हैं सवाल है ना। चलिए सवाल पे, चलिए तो सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहता है देखो है ना, मैं ऐसे दे रहा हूं सवाल कि कन्वर्ट है ना, कन्वर्ट या राउंडिंग ऑफ, ऐसे सवाल है कि राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड करना है, मतलब आपको आंसर हमेशा 2, इसका मतलब क्या हुआ ना कि आप जो भी आंसर लिखोगे उसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। क्लियर ये बात? तो स्टार्ट करें, जैसे पहला सवाल यह हुआ है 3.0, देखो दूसरा सवाल लिखा हुआ है 5.8, समझिएगा, तीसरा सवाल लिखा हुआ है ना 5.81, चौथा सवाल लिखा हुआ है ना 3.29, क्लियर है। पांचवा सवाल लिखा हुआ है 9.8 कर देते हैं, चलो 8.999 ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। और आते हैं छठे सवाल पे, आते हैं छठा सवाल, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं 5.555 है ना। सातवां सवाल लिखा हुआ है ना 6.532 है ना। और आठवां सवाल लिखा हुआ है, मान लेते हैं कुछ ऐसा कि 7.350। नौ सवाल लिखा हुआ है 8.250। दसवां सवाल लिखा हुआ है 4.85 है ना। और ग्यारहवां सवाल यहीं पे मैं लिख दूं, ग्यारहवां सवाल लिखा हुआ है ना 8.75। और एक सवाल और ले लें, बारहवां सवाल यहीं पे ले लें, लिखा हुआ है 7.95 ऐसे कुछ। क्लियर है?
इन सबको राउंड करना है बच्चों। पहले में अगर आप देखो तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हमको दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो पहले में तो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अब दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो राउंड काहे करोगे आप, ऐसा थोड़ा ना कि राउंड करते जाओगे। पहले गेट तो लो कि आंसर में हमको दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो जीरो तो सिग्निफिकेंट में आएगा क्योंकि दशमलव के बाद है और अंत में है, तो इसका आंसर 3.0 ही हो जाएगा, यहाँ राउंडिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है 5 और 8, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ पे राउंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा 5.8 हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकूँ। अब देखो हमको यहाँ पे किसको राउंड करना है, 5.81, जिसको राउंड करना है उसको गोल घेर देते हैं। 8 के आगे क्या लिखा हुआ है 1। अब पहला रूल याद करो, अगर अंतिम डिजिट 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो तो पीछे वाला में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 5.8। ये वाला में आते हैं अंतिम, जो हमको यहाँ पर राउंड किसको करना है 2 को, किसको राउंड करना है 2 को राउंड करना है, ऐसा है क्या लिखा हुआ है 9, मतलब एक इंक्रीज हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 9 एक यहाँ इंक्रीज, ये लिखा हुआ है 9। तो अगर अंतिम डिजिट 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो तो उसके पीछे वाला एक इंक्रीज कर जाता है, तो ये हो जाएगा 3.3। जिसको राउंड करना है उसको पकड़ो आप, जैसे हमको यहाँ पे इसको राउंड करना होगा 8.9, सेकंड डिजिट यही है ना, क्योंकि दो ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, आगे से मतलब नहीं है, आगे से मतलब नहीं, आप जिसको राउंड कर रहे हो बस उसका अगला नंबर देख लो रूल के हिसाब से। तो जैसे ही अगला नंबर हमको 9 मिल गया तो हम क्या आगे इसको इंक्रीज कर देंगे, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। अब जैसे ही 10 होगा एक हासिल एक यहाँ पे एडअप हो जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा देखो 9, तो ये वाला 9 था, ये एक 9 एक 10 हो गया, अब ये जैसे ही 10 हुआ इसका एक यहाँ आ गया, तो लिखेंगे 9.0, क्योंकि 9 केवल नहीं लिख सकते, केवल 9 लिखोगे तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा, तो 9.0। फिर से समझिए ये 9 था, इस 9 के चलते हम इसको सिग्निफिकेंट, इसको हम राउंडिंग कर रहे थे, तो अगर अगला डिजिट 9 है तो ये वाला एक बढ़ जाता है, तो 9 और 1 10 हो गया, जैसे ही 10 हुआ एक हासिल यहाँ चला गया, एक ऐड यहाँ हो गया, जैसे ही ऐड हुआ तो 8 और 1 9 हो गया, तो 9 लिख दिए। अब दशमलव और यहाँ पे 0 इसलिए लिखे हम क्योंकि ऐसे भी 89 ना होगा, 8.9 है तो ये 9.0 के लगभग होगा, तो हम केवल 9 नहीं लिखे, वास्तव में केवल 9 हो रहा था लेकिन हमको दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, इसीलिए हम 9.0 लिखे हैं। अगले में देखो हमको यहाँ राउंड करना है क्योंकि यही है सेकंड डिजिट हमारा, तो अगला डिजिट क्या है 5.5। हम ऐसे एक रूल में पढ़े हैं सबसे अंतिम रूल कि अगर अंतिम डिजिट 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 ऐसे कुछ आने लगे तो पीछे वाला को एक इंक्रीज कर देना है, तो ये हो जाएगा 5.6। ये वाले में आइए, हमको इसको राउंड करना है, आगे 3 लिखा हुआ है, आगे 3 लिखा हुआ है तो नो चेंज, रूल नंबर 1 से कि 1 2 3 4 है तो चेंज ही नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा 6.5। यहाँ पे दोनों को क्या देखें, क्योंकि ऐसा एक रूल था कि अगर अंतिम डिजिट 5.5 रहे 5.4 रहे, यहाँ पे केवल 3 को क्या देख रहे हैं, 2 को क्या देखे साथ में, क्योंकि 3 के साथ पेयर वाला कोई ऐसा रूल नहीं था, बस 3 रहे 2 रहे 1 रहे 4 रहे तो पीछे वाला में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक ना। तो रूल से चलना है, ये वाला 3 लिखा हुआ है, अंतिम डिजिट देखो 5 है, तो 5 और 5.0 दोनों का रूल है, तो अंतिम में अगर 5.0 रहेगा तो हम चेक करते हैं पीछे वाला कि ये ऑड है कि इवन है, तो ये तो ऑड हुआ तो ऑड है तो ये बढ़ जाएगा तो 7.4 हो जाएगा। ये वाला चेक करो फिर से, यहाँ पर इसको राउंड कर रहे हैं, इसको राउंड कर रहे हैं, अंतिम में लिखा हुआ है 5.0, तो ये चेक करते हैं कि ऑड है कि इवन है, तो बच्चों ये इवन है तो नो चेंज, तो 8.2 ही रह जाएगा, है ना। सबको हम दो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर रहे हैं, हमारा जो आंसर है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर तक रहना चाहिए। ये वाला ध्यान दीजिए 4.85 है, हम इसको राउंड कर रहे हैं, अंतिम में 5 है, तो अंतिम में 5 रहे या 5.0 रहे तो पीछे वाले को चेक करते हैं कि वो ऑड है कि इवन है, तो बच्चों ये कैसा हो गया, ये हो गया इवन, अगर इवन है तो नो चेंज, तो 4.8 ही रह जाएगा। अगला वाला ध्यान से देखो 8.75 है, अंत में केवल 5 आ गया, सॉरी अंत में केवल क्या आ गया 5 आ गया, तो राउंड इसको कर रहे हैं 7 को, तो ये 7 चेक करो कि ऑड है कि इवन है, तो ये तो ऑड हो गया, ऑड होगा तो एक इंक्रीज हो जाता है, तो 8.8 हो गया। 7.95 है, फिर से चेक करो 9 को राउंड कर रहे हैं, है ना, सेकंड डिजिट को राउंड कर रहे हैं, तो जैसे ही 9 को राउंड कर रहे हैं तो अंतिम वाला क्या लिखा हुआ है 5.5 रहे या 5.0 रहे, तो पीछे वाला चेक करते हैं कि ऑड है कि इवन है, ये बच्चों किसमें आ गया, ये आ गया ऑड में, ये ऑड में टेकिंग तीस हो जाएगा, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और जैसे ही 10 होगा एक हासिल यहाँ आ जाएगा, मतलब टोटल हो जाएगा 8। अब इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमको लिखना पड़ेगा 8.0, क्या लिखना पड़ेगा 8.0 लिखना पड़ेगा, क्लियर है ये बात। चलिए तो 7.95 को हम 8.0 लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, है ना, इस तरह से हम लोग
अच्छा, तो ये कुछ बड़े बेहतरीन सवाल थे। अब मैं ऐसे कर देता हूँ कि राउंडिंग ऑफ अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। अब सवाल मैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक कर देता हूँ, है ना, और मैं दो चार सवाल यहाँ फिर से ले लेता हूँ। जैसे देखिए, अब तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। पहला सवाल इसका ले लेता हूं मैं 3.5555 ऐसे करके। दूसरा सवाल लिखा हुआ है 8.9999 ऐसे लिखा हुआ है। तीसरा सवाल लिखा हुआ है ना 1.0000 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और चौथा सवाल लिखा हुआ है, मान लेते हैं 3.5355, ठीक। और पांचवा सवाल लिखा हुआ है 8.3 85, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। और इन पांचों सवाल को हमको बनाना है, है ना, हमको बना करके बताना है कि राउंडिंग ऑफ करना है तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब देखो, इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, हमको तीन ही चाहिए, तो 1 2 3 इसको राउंड करेंगे, हो जाएगा तीन सिग्निफिकेंट। आगे लिखा हुआ है 5 और फिर 5, तो अंतिम चीज 5 हो, 5 1 हो, 5 2 हो, 5 3 हो, तो पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाता है, तो हो जाएगा 3.56। देखो, तीन सिग्निफिकेंट फिगर आ गया ना। हमको जहां तक राउंड अप करना है, जिस सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंचना है, यहां तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग करना है, तो हम तीसरे सिग्निफिकेंट फिगर को गोल घेर करके राउंड कर रहे हैं। जैसे यहां पे 1 2 3 ये तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तो इसको राउंड करेंगे, इसको राउंड करेंगे, इसको राउंड करेंगे, तो 9 के आगे 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब पीछे वाला एक इंक्रीज कर जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो एक हासिल यहां आ गया, तो ये भी 10 हो जाएगा, इसका मतलब ये 8 की जगह 9 हो जाएगा। फिर से समझो, इसको राउंड कर रहे थे, आगे 9 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 9 लिखा हुआ है तो ये एक इंक्रीज कर जाएगा, 9 1 10 होगा, जैसे ये 10 होगा एक हासिल यहाँ आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, फिर एक हासिल यहाँ आके 8 और 1 9 हो जाएगा। तो जैसे ये 9 हुआ, तो केवल 9 हुआ, लेकिन हमको तीन सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 9.00 लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट 0 सिग्निफिकेंट में काउंट होता है, और 9 तो सिग्निफिकेंट में है ही, तो बीच में फंसा हुआ 0 जो है वो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया, तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला सिग्निफिकेंट ये सिग्निफिकेंट, तो बीच वाला ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर संख्या 1 2 3 4 5 है, क्यों, क्योंकि अंतिम 0 सिग्निफिकेंट में आ रहा है और एक तो सिग्निफिकेंट में है ही, तो बीच में फंसा हुआ सारा 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। हमको राउंडिंग किसको करना है, 1.00 इसको, तीसरे तक को। तो आगे क्या लिखा हुआ है, 0 तो कोई चेंज नहीं, बस जैसे छोड़ दिए, तो 1.00 ये हो जाएगा, 1.00 इसको आप देखिए, तो 1 2 तीसरा इसको राउंड करना है, आगे 5 लिखा हुआ है, अगर 5 हो या 5 0 हो, तो हम देखते हैं कि पीछे वाला संख्या ऑड है कि इवन है, तो ये ऑड है, जैसी ऑड है तो एक इंक्रीज कर जाता है, तो 3.54 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, हम इसको राउंड कर रहे हैं, इस बार तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर यही है हमारा, तो 5 आगे लिखा हुआ है, तो जैसे ही 5 मिलेगा हम इसको चेक करेंगे कि ऑड है कि इवन है, तो बच्चों ये इवन हो गया, जैसे इवन हो गया तो इसको लिख सकते हैं 8.38, चेंज नहीं करेगा, सॉरी यहाँ पे चेंज ही नहीं करेगा, इवन में नो चेंज होता है, तो 8.38 कुछ इस तरह से बात करते हैं। क्लियर ये बात, चलिए। तो ये बात हो गई बच्चों राउंडिंग ऑफ की, है ना। तो ऐसे हम लोग अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन, पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं रूल में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या चेक करना है, कि जब भी आप ऐड करोगे, सब नंबरों को ऐड करोगे, तो दशमलव के बाद आफ्टर डेसिमल जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसी को आपको राउंड करना है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर का हमारा आंसर भी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारा, हमको जोड़ने के लिए दिया 3.583 और जोड़ने के लिए 2.8 और जोड़ने के लिए दिया 3.93 ऐसे करके जोड़ने के लिए दिया, इनको जोड़ने के लिए बोला। तो आपको चेक करना है कि आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, हम आफ्टर डेसिमल बोल रहे हैं, हम आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर चेक करेंगे, आफ्टर डेसिमल डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर। तो आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर, दशमलव के बाद तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां दशमलव के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां दशमलव के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर एक हुआ दशमलव के बाद, मतलब हमारे आंसर में भी दशमलव के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, है ना, हमारे आंसर में भी, हमारे आंसर में भी, है ना, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, है ना, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, है ना, जितने मिनिमम वाले में थे, जितने मिनिमम वाले में थे, बस जोड़ दीजिए, तो 3 यहां पे आ जाएगा,
मैं रूल बता रहा हूँ ना, रूल आप समझिए, बड़ा आसान सा है। 8, 9, 10, 11 एक है ना, एक और बचा एक आपका, तो 8, 9, 8, 17 और 17, 5, 22 हो गया। तो 22 और 1, 23 3, 2 तो 3, 2, 5 और 3, 8 और 2, 10 हो गया। तो दशमलव के बाद हमको कितना सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 3, एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। दशमलव के बाद केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो एक सिग्निफिकेंट वाला इसी को राउंड करना है, इसके आगे एक लिखा हुआ है तो पीछे वाला तो नो चेंज कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 10.3। कितना हो जाएगा 10.3। चलिए एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। अब आफ्टर डेसिमल चेक करो, चाहे तो एडिशन की बात करें, जैसे मान लो लिखा हुआ है 9.999 और 3.28, मान लेते हैं इसको घटाना है, इसको घटाना है। तो देखो दशमलव के बाद यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3 है और दशमलव के बाद यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 है, तो हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। कब? हाँ, दशमलव के बाद, टोटल नहीं, दशमलव के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने चाहिए। तो 9, यहां 9 हो रहा है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 3 गया 6, तो टोटल तो आ रहा है 6.719। हमको आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए दशमलव के बाद? दशमलव के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 1, 2, टोटल नहीं, कंफ्यूज मत हो, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, दशमलव के बाद कितना सिग्निफिकेंट है ये देखना है। दशमलव के बाद यहाँ 1, 2, तो इसको राउंड करना है बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है? 9। जैसे आगे 9 लिखा हुआ है तो लास्ट डिजिट अगर 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो तो पीछे वाला इंक्रीज कर जाता है, तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे? 2, तो 6.72 फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर ये बात? क्लियर ये बात? बहुत बढ़िया। चलिए और सवाल कर लें, एक चलिए एक सवाल और करते हैं, एडिशन करते हैं सवाल। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 3.285, कुछ ऐसा लिखा हुआ है 3 और लिखा हुआ है मान लेते हैं 2.99 है ना, 9 और लिखा हुआ 3.99, ऐसे मान लो लिखा हुआ है। अगर हम सबको जोड़ रहे हैं दशमलव के बाद, यहां सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 1, 2, 3, 4 है, आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर, कंफ्यूज मत, टोटल मत गिन देना, आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3, आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2, देख लीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, तो यहां आ जाएगा 3, 9, 5, 14, 4, 9, 9, 18 और 8, 26 और 1, 27, 7 हो जाएगा है ना, तो 9, 9, 18 और 2, 20, 20 और 2, 22, 2, 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10। अब दशमलव के बाद चेक करो, दशमलव के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दशमलव के बाद 1, 2, मतलब इसको हमको राउंड करना होगा 2.7 को, तो आंसर आप आगे क्या लिखा हुआ है 4, तो पीछे वाला में नो चेंज, तो हो जाएगा 10.227 आंसर, आगे वाला चेंज ही नहीं करेंगे, 10.27 इज द फाइनल आंसर। तो आ रहा बात समझ में? आ रहा बात समझ में? इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, आफ्टर डेसिमल चेक करना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। हमारे आंसर में दशमलव के बाद सबसे कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर में जितना था उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में भी चाहिए, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हमारे आंसर में उतना ही चाहिए जितना सबसे कम वाले में दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट फिगर था। ठीक, चलिए फंसना नहीं सवाल में। अब आते हैं बच्चों हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन इसमें छोटा सा रूल में बस चेंज है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं है ना। तो मल्टीप्लीकेशन करें हम है ना, मल्टीप्लाई करें या डिवीजन कर लें, डिवीजन कर ले, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन में आपको क्या याद रखना है कि जो सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखिए मान लो लिखा हुआ है 1.2 × 3.0 ऐसे करके मान लो, या 1.2 बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, देखो ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ठीक है। अब सुनो यार, अब सुनो, पहले गुना कर लेते हैं, पहले तो बात यही 36.3.6 आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव, 3, 12, 3, 36 एक अंक पे दशमलव, बाकी यहाँ तो जीरो था बच्चों। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हो 12, 3, 36 यहाँ जीरो, 2 अंक पे दशमलव, एक यहाँ था एक अंक यहाँ था, तो 3.6 एक ही बात है। लेकिन बच्चों इसमें देखो, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर गिनो, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 थी, इसमें भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 थी, तो हमको क्या करना है ये सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ना है। आप दोनों बराबर आ गया तो हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, यहाँ तो 3-3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, तो इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे, 3.6 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? क्लियर हुआ? मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा चेंज है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट फिगर गिनते थे, यहां पे क्या है टोटल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है कि सबसे कम वाले में कितने थे।
यहाँ पे तो हम बराबर बड़ा ले लिए थे। जैसे मैं आपको सवाल दूं, मैं आपको बोलूं कि 12 को भागा देना है 3 से, 12 को भागा देना है 3 से, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या पकड़िए तो 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या पकड़िए तो 1 है, 3 से 12 में भागा दिए हम तो कितना आया, 4 आया। तो हमारे आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो है भी, आंसर 4 आया है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 1 हुआ। सबसे कम वाला में जो सिग्निफिकेंट फिगर, जितना सबसे कम वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर रखता है हमारे आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। क्लियर ये बात, क्लियर ये बात। चलिए जैसे मान लेते हैं और ले लेते हैं सवाल, जैसे देखिए मान लेते हैं लिखा हुआ है 3.23 और गुना लिखा हुआ है मान लेते हैं 1.2 ऐसे लिखा हुआ है मान लेते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3 है, देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है 3 है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है 2 है, तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होंगे, 3 की 2 तो 2 चाहिए होंगे। पहले गुणा कर देते हैं, तो पहले तो हम दशमलव को छोड़, पहले दशमलव को भूल जाएगा, पहले गुणा करके बाद में दशमलव बैठा लेंगे ना, तो 12 3 36 6 हुआ, 12 2 24 और 3 24 और 3 27 7 हुआ, 2 बाहर, 12 3 36 36 और 2 38। अब कितना अंक पर दशमलव, 1 और 2 3 अंक पर दशमलव, तो मतलब 3.876 आ रहा है। लेकिन हमको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना चाहिए, 2 ही चाहिए, 2 ही चाहिए, तो इसका मतलब कि हमको 3.8 तक ही लिखना होगा, इसका मतलब 8 को राउंड कर देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 7, अगर अंतिम में 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, इसको नहीं देखेंगे ना, 6 को क्यों देखेंगे जी, आगे 7 से ना मतलब है हमको, तो हम अगर आगे 7 लिखा हुआ है तो हम 8 को राउंड कर देंगे, तो 3.9 हो जाएगा फाइनल आंसर, कितना हो जाएगा 3.9 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। चलिए और सवाल कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहां पे बोले कि क्या ले लें, 36.0 को भागा दे रहे हैं 1.2 से, 36.0 को भागा दे रहे हैं 1.2 से। अब समझिए पहले हम क्या करेंगे जी, पहले हम क्या करेंगे, अब दशमलव, अब टेंशन नहीं लेना है, देखो टेंशन लोगे एकदम दिक्कत हो जाएगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है। पहले तो आप दशमलव हटाने का ट्रिक समझो, दशमलव कैसे हटा, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3 है बच्चों, कितना है सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इसमें 3 है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 है, पहले तो ये बात समझ लीजिए आप। अच्छा हम दशमलव हटा रहे हैं, तो दशमलव जैसे ही हटेगा, एक अंक पर दशमलव है तो नीचे 10 आएगा, यहां भी एक अंक पर दशमलव है तो ऊपर 10 से गुना होगा, तो क्या लिखेंगे 360, नीचे 10 से भागा दे दिए, 10 से क्यों भागा दिए, क्योंकि दशमलव एक अंक का दशमलव हम हटा दिया, दशमलव जैसे ही हटाएंगे एक अंक पर दशमलव है तो नीचे 10 हो जाएगा, वैसे 12 से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर भी 10 हो जाएगा, 10 10 कट गया। अच्छा ये वाला काटो तो 12 3 36 30 बार में कटा, कितना बार में कटा 30 बार में कटा ना, 12 12 3 36 हाँ जी 12 3 36 यही ना हो रहा है 1.2 दशमलव, हाँ ठीक। तो ये जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 आ रहा है, कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें ना, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बच्चों यहाँ पे 2 हो गई, मतलब यहाँ पे टोटल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है। अब एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है ना, जबकि हमको कितना चाहिए 2 चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, हमको 2 चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, 30.0 तो नहीं लिख पाओगे, 30.0 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो जनरली आप 30 पॉइंट लिख करके छोड़ सकते हैं, 30 पॉइंट लिख करके छोड़ सकते हैं, है ना, 30 पॉइंट लिख करके ऐसे छोड़ सकते हैं, है ना। जनरली इसमें 2 सिग्निफिक, क्योंकि हमको चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल टोटल कितना चाहिए 2 चाहिए, है ना, ये बात है। तो 3.0 तो नहीं लिख पाएंगे ना, 33.0 बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, 30.0 में 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो लोचा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये हो गया आपका, और क्या अगर हम सवाल करें, ठीक है और क्या हम सवाल करें, जैसे अगर हम और बात कर लें, जैसे एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसे ले लेते हैं सवाल कि थ्री, ये 64 है, 6.4 और बटा 4, बटा क्या करते हैं 4,
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है बच्चों? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या है आपका 2, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है? 1 है, 1 है, दिख रहा है ये बात। अब 4 से काटो इसको, अब 4 से काटो तो क्या 4 एकम 4, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ध्यान से देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 है, 2 है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचा, 2 और 4 24 हो गया, तो 4 6 24, 1.6 बार में कटा, 1.6 को गुना कर दो 4 से, 16 64 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या है कि ये वाला 1.6 है ना, इसको हमको राउंड करके लिखना होगा, हमको इसको राउंड करके लिखना होगा, हमको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो हमको इसको राउंड करना है, आगे क्या लिखा हुआ है 6, तो पीछे वाला एक इंक्रीज कर जाएगा, तो 2, आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको ये बात ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उनको कैसे जाना है, क्लियर ये बात। तो आई होप आपको ये लेक्चर मजा आया होगा पढ़ के, है ना, और आपके सारे कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।